स्वागत है आप सभी का इनोवेटर सब के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डेजर्ट कूलर के वाटर ब्लॉकेज इशू को घर बैठे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब या पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कूलर के हनीकॉम पैड्स को रिमूव करना होगा। हो सकता है आपके कूलर में वुडवूल पैड्स हों, आपको उन्हें रिमूव करना होगा। अब आप देख सकते हैं हनीकॉम पैड बहुत ख़राब हो चुका है। इस हनीकॉम पैड को साफ़ कैसे करते हैं उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपके कूलर में एक पीवीसी पाइप अटैच्ड होगा। वो पीवीसी पाइप कुछ स्क्रूज़ की मदद से ऊपर की तरफ अटैच्ड होता है। आपको स्क्रूज़ को खोलना है और पीवीसी पाइप को बाहर निकालना है। ये पीवीसी पाइप हर एक इक्वल इंटरवल पे कुछ स्क्रूज़ की मदद से अटैच रहता है ऊपर की तरफ, ताकि इक्वली पूरे पीवीसी पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक एक करके आप सारे स्क्रूज़ को खोल लीजिए और पीवीसी पाइप को बाहर निकाल लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पीवीसी पाइप को बाहर निकाल लिया है। तो इसी पीवीसी पाइप में ब्लॉकेज रहता है। आप एक ट्रांसपेरेंट पाइप देख सकते हैं, ये पाइप पंप के थ्रू आ रहा है। आप इसे भी डिटैच कर दीजिए, इसे हटा दीजिए और उसके बाद हम क्लीनिंग चालू करते हैं। आप पीवीसी पाइप के नीचे साइड देखेंगे तो आपको कुछ होल्स दिखाई देंगे, और उसे पलटेंगे तो ऊपर की साइड आपको कुछ स्क्रूज़ दिखाई देंगे। एक एक करके अब आपको ये सारे स्क्रूज़ को खोलना है। मैं आपके लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और सारे स्क्रूज़ को खोल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्क्रूज़ को हटा दिया। अब हम पीवीसी पाइप को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हमने पीवीसी पाइप को ओपन किया, अब आप अंदर की साइड देख सकते हैं बहुत सारा कैल्शियम और डस्ट मिलके पूरे हमारे पीवीसी पाइप को ब्लॉक किया हुआ है। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स और कैल्शियम है, इसको रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उसको स्क्रैच कर दीजिए पूरे इंटरनल सरफेस पे पीवीसी पाइप के। ऐसा करने से जितनी भी लेयर जमा है कैल्शियम और डस्ट की, वो हट जाएगी। तो अब सेम प्रोसेस आपको पूरे पीवीसी पाइप पे करनी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जितनी भी हमारे डस्ट पार्टिकल और कैल्शियम निकला है, इसको हम बाहर फेंक देंगे। अब आपको एक मैचस्टिक लेनी है और पीवीसी पाइप के जो होल्स हैं उनमें मैचस्टिक को डाल के अच्छे से साफ कर देना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है साफ़ करने का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा करने से जितने भी होल्स रहेंगे वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएंगे। और अब आप चाहें तो आप अपने पीवीसी पाइप को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं पानी से, और वापस से आप स्क्रूज़ को लगा दीजिए अपने पीवीसी पाइप पे। अब पूरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वापस से आप पंप का जो आउटलेट पाइप था उसको अटैच कर दीजिए अपने पीवीसी पाइप से और पीवीसी पाइप को माउंट कर दीजिए वापस से अपने कूलर पे। तो अब आप देख सकते हैं, पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज था, अच्छे से वाटर फ्लो नहीं था, और अब क्लीनिंग के बाद वाटर फ्लो बहुत अच्छा हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके नीचे बताइए। थैंक्स अ लॉट।